मैं 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली और फिल्म बॉलीवुड में सबको अपनी हुस्न का दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री पूनम ढिल्लो आज अपना 61वां जन्मदिन मना रही हैं। 18 अप्रैल 1962 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में पूनम का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। अभिनेत्री के जीवन की बात करें तो पूनम ढिल्लो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी। उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक था। वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता वायुसेना में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। आपको बता दें कि पूनम ढिल्लो को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। जब शशि कपूर ने पूनम ढिल्लो से मांगी थी माफी, पूनम ढिल्लो यश चोपड़ा के फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक सीन था जहां शशि कपूर को पूनम को थप्पड़ मारना था। जैसे ही यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि कपूर ने पूनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पूनम हक्की बक्की रह गयी। शशि ने ये इसलिए किया था कि यह सीन रियल लगी। हालांकि इसके बाद शशि ने पूनम से माफी भी मांगी थी और शशि कपूर ने बताया था कि उनसे ऐसा करने के लिए खुद यश चोपड़ा ने कहा था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो बॉलीवुड में पूनम का नाम डायरेक्टर रमेश सिप्पी के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यहां भी पूनम की किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने फिल्म निर्माता अशोक थकेरिया के संग शादी के साथ फेरे लिए, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। शादी के 9 साल बाद दोनों का तलाक हो गया।